पंचू और हसन अली का तुम जिक्र किए हो, क्या जानते हो तुम उन दोनों को? हाँ, कभी देखे हो? क्या उम्र है पता है? बताओ तो जरा। पंचेश चार बजर हमें बहुत नजदीक बता। हमको चुतिया समझा है क्या? सोनिया जी, कान के नीचे दो तीन बजाइए तो। रिपोर्टर का याददाश्त खो गया है। चुप! अरे ये तो रोता भी है न्यूज में चिल्लाने की तरह। सर, भूल होएगा जी सर, प्लीज सर, प्लीज सर। हाँ हाँ छोड़ तो देंगे,
इतना पैसा जो चैनल पे इन्वेस्ट होके रखा है। सर जी छोड़िए मत इसको, फिर से जाएगा और फेक न्यूज बनाएगा और जब भी देखो कुत्ते की तरह चिल्लाता रहता है, और चैनल खोलो तो बस सबका चिल्लाना सुनो, एक झापड़ देंगे। हाँ दीजिए दीजिए, एक क्यों, दो तीन दीजिए, अच्छे से दीजिए। दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट, आई मस्ट से दिस इज नॉट राइट। अरे सनिया जी इसको भी दो तीन दीजिए, सही और गलत का बात बता रहे हैं सारे पूर्वक। नो सॉरी, गलती से भी गलत मत बोलिए, जब इतना गंद फैलाते हो, फेक न्यूज छापते हो, तब सही गलत का ध्यान नहीं होता। तुम लोगों को पता भी है पंचू और हसन 5 साल का और 6 साल का बच्चा है, और वहाँ रायट दिखा रहे हो। सर जी इनको अरेस्ट करते हैं, आपका पब्लिसिटी होगा। Why me? अरेस्ट थोड़ी बोलो। এখন তো আমায় বলবে। আমি দাদাকে বলে নিউজ করেছিলাম, মানে বানিয়েছিলাম। স্যার আমি খুব গরিব, আমি আমি খুব কষ্টে থাকি। স্যার আমাকে তো অর্ধেক সময় পয়সাও দেয় না। স্যার 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 প্লিজ এইবারের মতো স্যার ছেড়ে দিন স্যার, স্যার প্লিজ স্যার, স্যার যা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আর যা স্পন্সরশিপ পেয়েছি স্যার তার 60% স্যার পার্টি ফান্ডে স্যার। আর স্যার সোনিয়া জির স্যার একটা স্পেশাল ইন্টারভিউ স্যার। देखे सोनिया जी न्यूज चैनल चलाते लेकिन मुद्दा पकड़ने में इनको इतना समय लग गया न्यूज चैनल चला, अपना भी टाइम खराब करते हो, मेरा भी समय बर्बाद करते हो, कहाँ का है ये देख लीजिए। सही बोले हैं। और छसाने न्यूज अगर फिर से गलती हुई ना तो साला झोल से दे वो। ये बहुत बढ़िया बोले सुनिया जी बहुत बढ़िया बोले, जाइए जाइए अच्छे से अपने इंटरव्यू दीजिए, जाइए। चैनल हेड बाबू सोनिया जी दो जन को अरेस्ट करेंगे, ठीक है, और उन दोनों का पिक्चर आपको भेज देंगे, ठीक है ना। आप उन दोनों का तस्वीर जो है अपने न्यूज चैनल पे दबा के चला दीजिए, ठीक है, कहानी खत्म। इसका पैसा अलग से भिजवा दीजिएगा, ठीक है। चलो चलो सब, नमस्ते 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 नमस्ते। ठीक है, गलती मत करना। न्यूज़ चैनल नमस्ते नमस्ते, थैंक यू। रिपोर्टर सोनिया जी चलिए। ओए बाबा ঝলঝানো নিউজ আমাদের স্টুডিওতে আমরা পেয়ে গেছি অসীম সাহসী আইপিপিএস অফিসার সোনিয়া যাদবকে, যেদিন উস্কানি পাড়াতে কলা নিয়ে রাইট লেগেছিল সেই দিন। ওই রাইটের মাঝখান থেকে উনি ম্যাডাম
সোনিয়া যাদব উনি ওখানে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে দুজন সন্ত্রাসবাদী যারা ছিল হাসান আলী এবং পঞ্চু তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের যে এক্সক্লুসিভ রিপোর্টার ছিলেন হরিপদ, তাকে জানানো হয়েছিল যে তিনি অ্যারেস্ট হয়েছেন। অ্যাকচুয়ালি তিনি অ্যারেস্ট হননি, তিনি ছিলেন ম্যাডাম সোনিয়া যাদবের সঙ্গে আন্ডারকভার এজেন্ট হিসেবে। ওখানে যাওয়ার পরে উনি অসীম সাহসিকতার সঙ্গে আমাদের হরিপদকে উদ্ধার করেন এবং তার সাথে সাথে ওখানকার দুই সন্ত্রাসবাদী যারা ওই রায়ডের পেছনে মূল যাদের হাত ছিল তাদেরকে গ্রেপ্তার করেন এবং আমাদের হরিপদকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। আমরা আজকে সেই ঘটনার কথা শুনে নেব ম্যাডামের মুখ থেকে। ম্যাডাম নমস্তে। ये अरेस्ट पॉसिबल हुआ है झलशानो न्यूज़ की वजह से, तो देखते रहिए झलशानो न्यूज़।